इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्रिस्टल रिपोर्ट में फार्मूला फील्ड को कैसे यूटिलाइज करना है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपने क्रिस्टल रिपोर्ट की बेसिक ट्रेनिंग की वीडियोस पहले देखी हुई हैं और आपको क्रिस्टल रिपोर्ट की बेसिक नॉलेज है। फार्मूला फील्ड का मतलब है कि अगर हम अपने बिल फॉर्मेट में कोई ऐसा फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे डाटाबेस फील्ड में अवेलेबल नहीं है, बट उसको किसी न किसी कैलकुलेशन के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है। फार्मूला फील्ड में आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्रिस्टल रिपोर्ट में बहुत सारे फंक्शंस और ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। आज हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला क्रिएट करके दिखाते हैं जिससे आपको फार्मूला एडिटर की बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बिल फॉर्मेट में नेट रेट का कॉलम लगाना चाहते हैं, मीन्स डिस्काउंट और टैक्स को लगाने के बाद जो रेट बनता है उसको हम कहते हैं नेट रेट। वैसे तो नेट रेट का कोई भी फील्ड डाटाबेस में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फार्मूला एडिटर से उसको क्रिएट किया जा सकता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपने फार्मूला कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने एक बिल की RPT पहले से ओपन करके रखी हुई है। ये RPT अभी डिज़ाइन पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू दिखा देते हैं बिल का। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से बिल फॉर्मेट आ रहा है। इसमें आइटम आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, रेट, डिस्काउंट और टैक्स जितना लगेगा वो आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। इसमें यहाँ पे मान लीजिए आपने नेट अमाउंट का, नेट रेट का कॉलम भी लगाना है, तो उसका फील्ड जो है वो डाटाबेस में नहीं है, उसके लिए हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फार्मूला बनाने के लिए वापस हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ डिज़ाइन में आके सारे कोड वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें नेट अमाउंट का फार्मूला बनाने के लिए क्वांटिटी का कोड चाहिए और अमाउंट का कोड चाहिए। यहाँ पे अमाउंट का कोड है T39 और क्वांटिटी का है T70। तो जब हम अमाउंट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका नेट अमाउंट बन जाएगा। तो अभी नेट रेट का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ इंसर्ट में आना है। यहाँ पे हम आएंगे फील्ड ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे हम फार्मूला फील्ड को सिंगल क्लिक करेंगे। फार्मूला फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आइकन बना हुआ है न्यू फार्मूला बनाने के लिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूले का नाम देना है, तो नेट रेट दे देंगे नाम इसका। यहाँ ओके कर देंगे। तो ओके करते ही यहाँ पे आपके सामने फार्मूला एडिटर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको डाटाबेस फील्ड की लिस्ट दी गई है। जो भी हम कोड लगाते हैं RPT में वो सारे कोड यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। सेकंड कॉलम में यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि मैथ का फंक्शन हो गया, फाइनेंशियल समरी, यहाँ पे सभी तरह के फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स की लिस्ट आ रही है। तो फार्मूला बनाने के लिए आप इन तीनों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो फार्मूला में। जो डाटाबेस फील्ड N से शुरू होते हैं वो न्यूमेरिक डाटाबेस फील्ड होते हैं, उनको आप फार्मूला में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डाटाबेस फील्ड T से शुरू होते हैं वो टैक्स डाटाबेस फील्ड होते हैं, और टैक्स डाटाबेस फील्ड को आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला में भी आप इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। टी से शुरू होने वाले सभी डाटाबेस कोड्स को या फील्ड्स को आपने फार्मूला में यूज़ करते टाइम पहले न्यूमेरिक फील्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे टैक्स डाटाबेस फील्ड को न्यूमेरिक डाटाबेस फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। तो अभी हम यहाँ फंक्शन की लिस्ट में आएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, इसको आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ स्ट्रिंग की लिस्ट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे VAL नाम से जो फंक्शन है उसको सिलेक्ट करना है, उसको लगाना है फार्मूला में। यहाँ पे है VAL, इसको आप डबल क्लिक कर लोगे, ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लग जाएगा। यहाँ अभी ब्रैकेट्स में हमने वो कोड डालना है जिसको हम न्यूमेरिक करना चाहते हैं। फार्मूला में हमने T39 यूज़ करना है, इसको हमने डिवाइड करना था क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी का जो कोड है वो है T17। T70 को भी हमें न्यूमेरिक करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे भी हमने फंक्शन लगाना है, VAL लगाएंगे इसके आगे भी। VAL फंक्शन को आप मैनुअली भी डाल सकते हो। यहाँ से हम ब्रैकेट शुरू करेंगे,
यहां से हम कोड उठाएंगे T17, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे अभी। यहां पे आपने ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बनाते टाइम कोड्स को आपने ब्रैकेट्स में रखना है। अभी हमने इसको सेव करना है, यहां सेव की ऑप्शन दी गई है, इस पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्मूला जो है वो सेव हो चुका है। अगर आपने सही फॉर्मूला नहीं लगाया होगा या कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, कोई ब्रैकेट वगैरह छूट गया है, तो सेव करते टाइम आपके पास एरर का मैसेज आएगा। तो अभी हमने सेव कर दिया, सेव हो चुका है ये फॉर्मूला, अभी इसे क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है जो भी हमने फॉर्मूला लगाया था नेट रेट के नाम से, तो इसको आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने फॉर्मेट में। यहाँ पे हम नेट रेट का एक कॉलम बना लेंगे अलग से। यहाँ से लाइन उठा लेंगे, हम लाइन लगाएंगे। यहाँ पे हम टेस्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो अभी हमने जो नेट रेट का फॉर्मूला बनाया है उसको हम यहाँ से उठा के ड्रैग करके यहाँ पे कॉलम में रख देंगे। किसी भी जगह पे आप प्लेस कर सकते हो इसको। कॉलम में फॉर्मूला लगाने के बाद अभी हम प्रीव पे गएंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेट रेट का कॉलम बन चुका है। यहाँ पे आइटम वाइज जो भी नेट रेट बना है वो दिखा दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहले जो पर पीस रेट था इस आइटम का 30 रुपीज़ था। डिस्काउंट हमने इस आइटम में से कोई दिया नहीं है, तो GST कैलकुलेट होने के बाद पर पीस इसका जो भी अमाउंट बना है यहाँ पे दिखा रहा है नेट रेट में। तो यहाँ पे इसका नेट रेट के हिसाब से 472 अमाउंट बन चुका है यहाँ पे इसका। तो यहाँ सेकंड आइटम का जो रेट है पर पीस 80 रुपीज़ है। इस आइटम में से 7% हमने डिस्काउंट दे दिया है कस्टमर को और 5% GST ऐड हो गया। डिस्काउंट और GST वगैरह लगने के बाद यहाँ पर पीस जो रेट पड़ा है वो 78.10 है। तो इस तरह से 10 पीस का जो रेट है वो टोटल 781 है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला बनाकर लगा सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद आपने RPT को सेव करना होगा। यहाँ पे सेव कर देंगे इसको, इसे भी क्लोज करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।